हेलो फ्रेंड्स, झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC की ओर से नया और इम्पोर्टेंट नोटिस आ गया है। और यह जो नोटिस है, अपडेट है, वह संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के संबंध में है, यानी कि JPSC एग्जाम का मेंस जो एग्जाम हुआ था उसी को लेकर के है। तो यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ों को देखना है। तो इसका जो है मेंस एग्जाम का परिचय पत्र प्रकाशित कर दिया गया है और साक्षात्कार हेतु सफल उम्मीदवारों का अभिलेख सत्यापन 8/5/2022 से दिनांक 15/5/2022 तक पूर्वाह्न 10 बजे से एवं साक्षात्कार क्रमशः 9/5/2022 से 16/5/2022 तक पूर्वाह्न 9:30 बजे से आयोग कार्यालय में निर्धारित है। तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स पास हो चुके हैं इसका रिजल्ट जारी होने के बाद में, तो उसका जो है अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पे है इंटरव्यू भी होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और उसके लिए जो है 8 मई से लेकर के आपको 15 मई तक 10 बजे से, और 9 मई से लेकर के आपका 16 मई तक पूर्वाह्न 9:30 बजे से आयोग कार्यालय में निर्धारित है। तो यहाँ पे जो JPSC ऑफिस है वहीं पर इसका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और साथ साथ में इंटरव्यू भी होगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जो डेट दिया गया है वह है 8 मई, और इधर का 8 मई से 15 मई, और यहाँ 9 मई से 16 मई तक है। तो ये आप लोग साथ ही साथ में डेट रखेंगे ध्यान को। यहाँ पे दिया हुआ समृद्ध अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य जांच अगले दिन सदर अस्पताल रांची में निर्धारित किया गया, जहाँ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। तो यहाँ पे जो है रांची का जो है सदर हॉस्पिटल, वहाँ पर यहाँ आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा। ये भी आप लोगों का ध्यान रखना है कि रांची में ही इसका मेडिकल चेकअप भी होगा। इसके बाद है यहाँ पर आपका ई कॉल लेटर 2/5/2022 से आयोग की वेबसाइट आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे www.jpsc.gov.in से अपना अनुमुख क्रमांक और जन्मतिथि डालकर डाउनलोड कर सकेंगे। तो यहाँ पर है कि जो है आपका ई कॉल लेटर आपका 2 मई से डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट से, और वहाँ पे आपको जो है रोल नंबर और साथ साथ आपका डेट ऑफ बर्थ डाल करके आप डाउनलोड कर लेना है। उम्मीदवार विज्ञापन में निर्देशित वांछित प्रमाण पत्र अभिलेखों के साथ आयोग कार्यालय में ससमय उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। उम्मीदवारों को ई कॉल लेटर डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे। तो यहाँ पे है कि जो आपका डेट दिया गया है उसी डेट में आप लोगों को शामिल होना है, और साथ साथ में आपका जो है कॉल लेटर आपको भेजा नहीं जाएगा, आपको ई कॉल लेटर से ही काम चलाना है, यानी कि उसी को लेकर के आप लोगों को यहाँ ऑफिस में आना है। तो ये भी साथ ही साथ इनका कहना है। ई कॉल लेटर डाउनलोड नहीं होने से आप लोग जो है ये जो नंबर दिया गया वहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं और अपना ई कॉल लेटर के बारे में पता कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी किसी कारणवश वेबसाइट से अपना ई कॉल लेटर प्राप्त नहीं कर पाते तो वे आयोग के पूछताछ काउंटर पर दिनांक 8/5/2022 से पहले कार्यालय अवधि में अपना अनुक्रमांक और जन्मतिथि सहित आवेदन देकर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर अगर सारी चीज़ें करने के बाद भी ई कॉल लेटर अगर नहीं मिलता है आप लोगों को, जितने भी कैंडिडेट्स जो कि पास हो चुके हैं, तो वे लोग पूछताछ काउंटर में 8 मई से पहले जा करके अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ दे करके वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर है परिचापल अभिलेख सत्यापन साक्षात्कार कार्यक्रम वांछित प्रमाण पत्र अभिलेख संबंधित निदेशक तथा प्रेस विज्ञप्ति आयोग वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। जितने भी चीज़ें दी गई हैं वो आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे JPSC की ओर से ये दिया गया। तो आप लोग जो है सारे जो डेट है और जो ऑफिस एड्रेस है और अपना जो ई कॉल लेटर है उसको आराम से ध्यानपूर्वक पढ़ के इसको आगे की ओर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे रोल नंबर दिया हुआ है जो मेंस एग्जाम में पास हो चुके हैं विज्ञापन संख्या 01/2021 में, वो यहाँ पे आप लोगों को देखते हैं। टोटल जो है 802 उम्मीदवार का परिचापल अनुक्रमांक क्रमवार ऊपर से नीचे प्रकाशित किया है, जिन्हें साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका इंटरव्यू के लिए टोटल 802 कैंडिडेट्स है, 802 कैंडिडेट्स है, उसका जो रोल नंबर यहाँ पे दिया गया है तो उनको यहाँ पे बुलाया गया। देखिए यहाँ पे आप लोग अपने रोल नंबर को यहाँ मैच करा सकते हैं जो भी कैंडिडेट्स पास हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर लिपि के टंकन या भूलवश किसी त्रुटि के कारण परिचापत्र में संशोधन हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस भी हो सकता है, अगर कोई भूल हो गया है या फिर कोई छूट गया है तो ये भी दिया गया है। और यहाँ पे जो है सत्यापन का काम जो होगा वह 8/5/2022 से 15/5/2022 एवं साक्षात्कार का आयोजन जो है 9/5 से 16/5/2022 तक निर्धारित है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट दिया गया वो 8 से लेकर के 15 मई तक दिया गया है, और इंटरव्यू जो होगा वो इंटरव्यू वह होगा आपका 9 मई से 16 मई तक। ये दो डेट दिया गया है आपका, पहले होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद फिर होगा इंटरव्यू। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र आरक्षण का दावा करने तो उम्मीदवारों को उनकी अभिलेख सत्यापन की
तिथि को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत संबंधित मूल प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। तो यहाँ पे जो है आपका जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट यानी कि मूल सर्टिफिकेट है उन सारी चीज़ों लेकर के ही आप लोगों को वहाँ पे आना होगा। और फिर यहाँ पे दिया गया है कोई दूसरा समय नहीं दिया जाएगा, दूसरा टाइम नहीं दिया जाएगा, आपको जो डेट में बोला गया है उसी डेट में आपको सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ में आना है। तो ये साथ ही ध्यान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे है इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट दिया गया वो है 8 तारीख से लिखा हुआ है और 10 बजे पूर्वांश से, यहाँ पे सबको आप लोगों को देख लेना है 8 तारीख से 9 तारीख में, देखिए रोल नंबर के हिसाब से यहाँ पे बताया गया है कि कितने कितने रोल नंबर का कब कब बुलाया गया है। तो ये देखिए रोल नंबर के हिसाब से यहाँ पे बुलाया गया है, डेट भी डाल दिया गया है। तो ये आप लोग इसको पूरे अच्छे तरीके से ध्यान देंगे। इसके बाद में है 2 मई से आप लोगों का ई कॉल लेटर डाउनलोड हो जाएगा, उसमें आपको सारी चीज़ें ध्यानपूर्वक देख करके जाना है और कुछ दिया हुआ रहेगा तो इसके अलावा मैं क्या के लिए जाना है तो उसको देखते हैं। उल्लिखित अपने सॉरी योग्यता संबंधी निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र सत्यापन तो प्रस्तुत करने इन सभी की 200 प्रमाणित छाया प्रति भी साथ में लाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो तो आपको लाना ही लाना है, साथ साथ में उसका 2 कॉपी भी रखना होगा यानी फोटो कॉपी करके रखना है और उसको आप लोग जो है सेल्फ अटेस्टेड भी करके रखेंगे। ये जो 2 कॉपी रहेगा उसको सेल्फ अटेस्टेड भी करके आप लोगों को रख लेना है। इसके साथ साथ में आपका जो है जन्म तिथि के लिए मैट्रिक का पास और मार्कशीट आप लोगों को रखना है। इसके अलावा में आपका जो है डिग्री वाला यानी कि जो ग्रेजुएशन वाला है प्रमाण पत्र उसको रखना है और ग्रेजुएशन का जो है मार्कशीट भी आप लोगों को साथ ही साथ में रखना है। और इसके साथ ही साथ आपका यहाँ पर जो प्रमाण पत्र दिया हुआ है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को आरक्षण का लाभ लेने के लिए यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा वो भी आप लोगों को लाना है और वो भी आपका 25/2/2019 के पूर्व सक्षम प्राधिकार तथा अनुमंडल पदाधिकारी से यहाँ पे निकाला गया होना चाहिए। तो वही जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जो डेट दिया गया वो 25/2/2019 से पहले का होना चाहिए, इसको लाना है। इसके बाद मैं यहाँ पे OBC के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग का जो है वो भी 25/2/2019 का ही पहले का होना चाहिए, ये भी यहाँ पे साथ साथ बताया गया जन इसको आप लोगों को साथ ही साथ में लाना ही लाना है। और ये भी आपका दिया गया आर्थिक रूप से कमजोर वाला लोग जो रहेगा उसके लिए 15/2/2019 के आलोक में भी प्रपत्र में झारखंड राज्य की सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही दिया होगा। ये आप लोग जो डेट वो देख सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। दिव्यांगता संबंधी वैध प्रमाण पत्र भी लाना है, अगर कोई फिजिकली हैंडीकेप्ड है तो उनको भी उसका प्रमाण पत्र होना है तब जाके आगे कुछ होगा। इसके अलावा में अधिकतम उम्र सीमा में छूट संबंधी दावा करने वाले से उम्मीदवार जो झारखंड सरकार के नियमित सेवा सरकारी सेवक है और 3 वर्ष निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हुए संबंधित विभाग के सचिव अधिकारी निर्गत प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे जो है जो कहीं पर भी नौकरी कर रहे होंगे तो उनको भी यहाँ पर वहाँ से निर्गत प्रमाण पत्र लेकर के आना होगा। अधिकतम उम्र सीमा में छूट संबंधित दावा करने वाले भूतपूर्व सैनिकों के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे अगर कोई है कि मैक्सिमम एज हो गया है तो भूतपूर्व सैनिक है तो उनको भी वहाँ से निर्गत प्रमाण पत्र लेकर के आना होगा, तब जाके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू होगा। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ ही साथ में केंद्र सरकार राज्य सरकार अन्य उपक्रम में नियोजित उम्मीदवार के लिए विभाग संस्थान के प्रधान प्राधिकृत प्राधिकार निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र। यहाँ पे जो है कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में राज्य सरकार में या कहीं पर भी और नौकरी करते तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लाना है। और पहचान पत्र के लिए आप लोगों को लाना है मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि में से कोई भी आप लोगों को साथ में लाना है, आपको आइडेंटिटीफिकेशन प्रूफ के लिए ये सब लाना है। और आपका जो है यहाँ 2 रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए, यहाँ पे 2 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ चाहिए आप लोगों को, तो वो पासपोर्ट साइज का 2 फोटो को भी लेकर के आना है। और इसके बाद में यहाँ पे जो साफ साफ कहना है कि इसको एक्स्ट्रा टाइम दिया नहीं जाएगा, जो डेट बोला गया उसी में आप लोगों को लाना है। योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र वही मायने हो जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया। देखिए यहाँ पे जो आप लोग डाले होंगे फॉर्म फिलअप के समय में वही सारी चीज़ों को आप लोगों को दिखाना होगा, मूल आवेदन पत्र में आप लोग जो दिए थे उसी सबको यहाँ पे दिखाना होगा। और यहाँ पर है कि साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की अभ्यर्थिता पूर्ण तो उपबंदी के साक्षात्कार में शामिल होने मात्र से उनकी अर्हता संपुष्ट नहीं होती, साक्षात्कार के समय या उसके बाद उनकी अर्हता पर यथासंभव आवश्यक निर्णय लेने का आयोग के पास अधिकार रहेगा। तो यहाँ पे जो है कि आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू देने के बाद में ही आपका सारी चीज़ें हो जाएगा, ये भी ऐसी बात नहीं है। तो आप लोगों को
उसके अलावा और कुछ होता है तो वो जो अधिकार होगा वो जेपीएससी के पास में होगा, ये भी इनका कहना है। और यहाँ पे लाना क्या है, तो साक्षात्कार पत्र के अलावा में एक फोटो युक्त पहचान पत्र होना चाहिए, जिसमें से मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए, यानी वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस से कोई एक होना चाहिए। साक्षात्कार के हेतु निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व उपस्थित होना है। तो साक्षात्कार होगा तो वहाँ पर आप लोगों को 1 आवर्स पहले ही पहुँच लेना है, क्योंकि वहाँ पे जो ऑफिस है वहाँ पे आप लोगों को 1 घंटा पहुँचने के लिए कहा गया है। साथ साथ में आप लोगों को ये जो सारी चीज़ें, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, वो सब लाने के लिए मनाही है, वहाँ पे आप लोग नहीं ले जा सकते हैं। कोरोना संक्रमण COVID-19 के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए अद्यतन SOP का पालन करना होगा। तो यहाँ पे जो है COVID-19 से रिलेटेड कोई भी गाइडलाइन होता है तो उसको भी आप लोगों को पालन करना है। तो ये जो है आप लोग इस सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो आप लोग जो है इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान रखेंगे, और जिसका जिस डेट में है उस डेट में जा करके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू करा सकते हैं। और जो डेट दिया गया है उसी डेट में आप लोगों को पहुँचना है। और बाद बाकी आप लोग 2 फोटो और 2 कॉपी रखना होगा सेल्फ अटेस्टेड वाला, ये भी आप लोगों को कहा गया है JPSC की ओर से। तो यही है, तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि JPSC मेंस एग्ज़ाम लिखे हैं और एग्ज़ाम पास हो गए हैं, उनके लिए यही एक बहुत बड़ी अपडेट है।